गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज एक थोड़ा स्पेशल व्लॉग करने वाला हूँ मैं। आज मैं कहीं पे जा नहीं रहा हूँ, कहीं पे ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, बस क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, जो कि सीज़न क्रिकेट है और वो 8 साल के बाद खेलने जा रहा हूँ मैं 8 साल नहीं, 7 साल। तो लास्ट मैच में खेला था 2014 में खेला था मैं लास्ट मैच, और मैं आज खेलने जा रहा हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया कि क्यों ना व्लॉग किया जाए। तो मैंने भी सोचा हाँ यार, इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, व्लॉगिंग करते हैं। जिन्होंने सजेस्ट किया था व्लॉगिंग करने के लिए, तो वो भी ग्राउंड पे आने वाले हैं, उनको भी आपसे मिलाऊंगा। और अभी हाल फिलहाल मैं स्टूडियो पे हूँ मेरे, तो मैं अभी निकलता हूँ क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का है और अभी बज रहे हैं 8, तो फटाफट निकलना चाहिए। चाचा छुट्टे लेने गए, 50 के छुट्टे नहीं है। अब मैं हूँ घाटकोपर स्टेशन पर, मैं जाके टिकट निकालूँगा और शायद होप तो कम लाइन हो, बड़ी लाइन ना हो। हमारी भारत कैफे, हमारी नहीं मतलब यहाँ की, फटाफट निकलना पड़ेगा, शायद बहुत लाइन हुई है आज थर्सडे है। बजकर 50 मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट है और 10 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। अभी पहले क्रॉस मैदान आएगा, उसके बाद नहीं सॉरी पहले आज़ाद मैदान आएगा, उसके बाद क्रॉस मैदान होगा। यार भूख भी बहुत लग रही है। तो ये है आज़ाद मैदान, वहाँ से हमारी एंट्री हुई थी। और आज़ाद मैदान में ऐसे छोटे छोटे टेंट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं यहाँ पे, हम ड्रेसिंग रूम समझ लीजिए, छोटे छोटे ड्रेसिंग रूम्स होते हैं टेंट की तरह। तो बहुत सारी मैचेस खेलिए, कॉलेज टूर्नामेंट्स खेलिए यहाँ पे, वो भी एक अलग मज़ा था। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आज़ाद मैदान के बाद एक रोड क्रॉस करके हम क्रॉस मैदान में पहुंचते हैं। तो वी आर एंटरिंग क्रॉस मैदान। क्रॉस मैदान पे आफ्टर 8 ईयर्स मैं कदम रख रहा हूँ। सॉरी, क्रॉस मैदान तो पहुंच चुका हूँ, अब पिच ढूंढनी है, MB यूनियन। तो एक जन से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस तरफ में है कहीं पे MB यूनियन। ओके, हाँ शानदार खटिया है। सब रेडी हो चुके हैं, सब लोग वाइट्स पहनकर, मैंने भी पहन लिया है। सो ये हमारा विकेट है,
बाजू में मैच चालू है। आदित्य और नचिकेत पहुंच चुके हैं पिच पर, वो लोग ओपनिंग कर रहे हैं। पहले बॉल की शुरुआत हो गई। अब स्टार्ट, पहला ही बॉल डिफेंड। अगला बॉलर बैट्समैन है। अगली गेंद आदित्य, एक रन। नचिकेत ऑन स्ट्राइक, सुबह मैंने आपको बताया था कि एक शख्स है जिसके ही बदौलत मैं ये मैच खेल पा रहा हूँ, तो ये है रोहित सिंह, RSY के ओनर। रोहित जी, आपकी शक्ल दिखाइए भाई। इतनी अच्छा नहीं है दिखाने लायक। कुछ बोलिए RSY के बारे में बोलिए। RSY बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन लोग ज़्यादा जानते नहीं उस ब्रांड के बारे में। आपका नाम क्या है? सनमित्र। सनमित्र, स्कोर क्या हुआ है? 7 ओवर्स 37 रन्स। आज का क्या प्लान है भाई? कोई प्लान नहीं, सीधे बॉल हिट द बॉल। अरे ये है रोहित सिंह, RSY के ओनर, और ये है हमारे RSY के ब्रांड एम्बेसडर। इसमें थोड़ा सा और फोकस डालो, बैट बैट दिखाओ भाई। RSY का लोगो है बैट पे। मैंने बैट दिखाओ ना। शॉट रे भाई, अगली गनिया। गुड शॉट, फोकस ही। प्योर क्लास, प्योर क्लास। शैडो प्रैक्टिस, शैडोइंग, ड्रिल। क्या सोच रहे हो भाई, अभी आप सेट हो चुके हो? कुछ नहीं, सिंगल के लिए देख रहा हूँ। ओके गुड, गुड लक भाई, 100 आने चाहिए। बैट्समैन, आपका नाम बताओ। अल्पेश। अल्पेश,
अल्पेश भाई जा रहे हैं बैटिंग के लिए और रोहित भाई वापस आ गए इधर से, हम लोग डगआउट में आ गए। डगआउट्स गुड शॉट। Overthrow runs. Good shot. Four more. Wicket गई अल्पेश, अल्पेश गई और अभी जीतेश भाई आ रहे हैं बैटिंग के लिए। Not leaning in the middle. It's not the Caribbean. This playing for this one. Which company is this? This is a Rising Sun at 5. Huh? And we have a cameraman Ganesh Devendra. What kind of fielding is this? What kind of shot it is? This is the island shot. From where you this learned? This from Barbados. Barbados? Yeah. From West Indies. What was that? The last this ball. A risky shot. If you have to do something in life, you have to take a risk. And that is really important. I learned from Ganesh Devendra behind the camera. इनिंग्स की समाप्ति, अभी ऑल आउट हो चुके हैं, 200 रन्स बनाए, फिर भी मैं फाइनल स्कोर देख के बताता हूँ कितना हुआ। स्कोर क्या हुआ आदित्य? 201 टू विन। हेलो, वेल प्लेड, थैंक यू। कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा आपके साथ खेल के, अभी तो मैच और बाकी है। या ये है पिच का हाल फर्स्ट इनिंग्स बाद,
दादा आ रहे हैं रोलर लेकर, थोड़ा पिच रोलिंग करके। दादा कितने साल से हो आप इधर? 35 साल हो गए इधर यही मैदान में। क्या बात है। दादा को 35 साल हो गए, बहुत बढ़िया। तो अभी लंच है, सब लोग थोड़ा बहुत खा लेंगे, फिर सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत होगी। देखते हैं कैसे जाता है मैच। अभी तो कड़ी धूप में फील्डिंग करनी है खाना खाने के बाद। उफ, अब हम जा रहे हैं किधर? खाऊ गली। हाँ, खाऊ गली, खाऊ गली जा रहे हैं। तो ये है द्वार खाऊ गली का। नहीं भैया, तो इतना भीड़ भाड़ वाला एरिया है कि खुद के प्लेयर्स भी ढूंढने मुश्किल होते हैं। अरे उधर उधर उधर। हाँ, गणेश भाई दिख गए। नहीं जो टाइम हुआ मैंने। ऐसा लग रहा है इसके लिए हो रहा है। एक टूर्नामेंट आता है। गणेश भाई। पहले ग्राइंडर से स्टार्ट कर रहा हूँ। सब टेस्ट कर रहा हूँ। ओ मेरे को मामा ने जीएम का ला के दिया था। भाग रहे बैंक। हाँ। बैंक। ये कौन सा क्या क्या मंगा रहे लोग अलग अलग? अपन लिम्बू पानी और गन्ने के ऊपर भी देखा ही नहीं आज तक। चालू है ठीक है, पर नहीं करेगा। नहीं डालना ही है। ये सैंडविच आ रहा है। रिटर्न आ गए ग्राउंड पे। हमने क्या खाया? सैंडविच खाया, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पिया। अब बैक टू फील्डिंग, सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत होगी। अब बॉयज आर रेडी, हाउ इज द जोश? हाय सर। हाय सर। 201 का टारगेट है। बॉल है 192। हाँ, बॉल 192 का टारगेट। यस, 201 ना, 200 किया अपन। 200 किया, 201 का टारगेट 201 हुआ है। तो लास्ट दो मैच भी अपना ऑलमोस्ट यही स्कोर था, जो लोग आए थे किन उनको पता है। ऑलमोस्ट अपना स्कोर अच्छा ही था, बट अपन फील्ड में कहीं ना कहीं विकेट नहीं जाते तो सब लोग शांत हो जाते। तो आज प्लीज़ वैसे मत रखो, थोड़ा चेयर अप रखो कि विकेट जा रहा है नहीं जा रहा है। और सिली मिस्टेक मत करो, ठीक है? बॉल की तरफ जाओ, ट्राई तो करो। मिस हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ट्राई करो बॉल की, ठीक है? चलो गणपति बप्पा मोरिया। टाइपू बाहर आ रहा है पहले ही। नहीं रे, आ रहा है बस, नहीं तो आएगा। मुझे अंदर आ रहा हूँ मैं, मुंह धोने जा रहा था। सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो गई है, बट बॉलर का नाम पता नहीं है कौन है। और हाल फिलहाल मैं अभी डगआउट्स में बैठा हूँ, बाहर ही हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं अंदर जाऊँगा फील्डिंग के लिए, क्योंकि प्लेयर्स काफ़ी है तो बारी बारी हम प्लेयर्स रिप्लेस करेंगे थोड़े थोड़े ओवर्स में इन बिटवीन। बॉलिंग बॉलिंग शॉट। चौका दिया है। हाँ ठेव ना। ओ नाइस बॉलिंग, नाइस बॉलिंग। FOMO nice. Good shot. भाई कमान यार, कपाशे
गुड वन बॉल बॉल शॉट ये है सेकंड इनिंग्स का बॉल कितना ओवर हुआ 8 ओवर्स ओल्ड Good shot. So after 32 overs results ये है कि हम हार चुके हैं 201 का टारगेट था बट वो लोग ने सामने वाली टीम ने बहुत अच्छे से चेज कर लिया जस्ट लूजिंग 2 विकेट्स और विराज करके जो थे उन्होंने 100 नॉट आउट बनाया सो ये स्कोर कार्ड है उनका हंड्रेड अखंड ने बनाए हैं 62 रन्स कोई बात नहीं अगर ये मैच हारे तो नेक्स्ट मैच में और थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके और अच्छे पूरे जोश के साथ आएंगे और होप्स जीत पाए नेक्स्ट मैच विल डू द बेस्ट यार गोपुरों में पता नहीं कुछ तो इशू आ गया है मेमोरी कार्ड एरर आ रहा है तो अभी मेरे फ़ोन से इशू करना पड़ रहा है इसी के साथ आज का खेल समाप्त होता है और मैं वापस निकल पड़ा हूँ अपने घर की तरफ आज़ाद मैदान से होते हुए CST की तरफ और वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ आप सभी से मुलाकात होगी फिर से एक और नई वीडियो पे टिल देन गुड बाय